स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल टिक टू इन्वेस्ट में। दोस्तों जब एक बार पैसे निवेश करके हर महीने इनकम शुरू करने की बात आती है तो हम अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम या फिर बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम या फिर LIC की जीवन अक्षय या जीवन शांति पॉलिसी में निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम ब्याज दर की बात करें बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की या फिर अब बात करें पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम की, तो दोनों के अंदर ही आपको ब्याज दर 5 से लेकर 6% तक मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो हर महीने इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी तरह LIC में भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे जमा करके हर महीने इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसी पैसे को म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करते हैं तो आप एक ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं हर महीने। और यहाँ पर अगर आप उसी पैसे को म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर SIP के थ्रू निवेश करते हैं जो हर महीने अर्निंग होती है, तो उससे आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसके अंदर अगर आप 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो यहाँ से हर महीने 1,000 रुपये की इनकम शुरू कर सकते हैं। और इस 1,000 रुपये को अगर आप इसी स्कीम के अंदर SIP के थ्रू निवेश करते हैं यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, तो आप करीब 29,73,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्कीम के अंदर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं मात्र 50,000 रुपये का निवेश करके। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट या रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको म्यूचुअल फंड स्कीमों के अंदर ही मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम के बारे में, उसके बाद हम कैलकुलेशन करके समझेंगे कि कैसे इसके अंदर आप 50,000 रुपये निवेश करके हर महीने 1,000 की इनकम शुरू करेंगे और कैसे उसे SIP के थ्रू निवेश करके आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। सबसे पहले अगर स्कीम के रिटर्न की बात की जाए तो स्कीम का ऑल टाइम का रिटर्न 30.66% का है। पिछले अगर 3 साल की बात करें तो स्कीम ने करीब 42.47% का एनुअली रिटर्न दिया है। दोस्तों जो स्कीम हम लेकर आए हैं वो है केनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड। इसका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप कैटेगरी के बेहतरीन शेयर हैं उनके अंदर निवेश किया गया है। दोस्तों बात करें कि कैसे इसके अंदर आपको निवेश करना है, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके अंदर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दूसरा SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, इसके अंदर आप एक बार पैसे निवेश करके हर महीने की इनकम शुरू कर सकते हैं। और तीसरा लमसम, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 2 स्कीमों के अंदर जॉइंट में निवेश करना है। यहाँ पर एक स्कीम के अंदर आपको पहले लमसम 50,000 रुपये का निवेश करना है और दूसरा उसी से जो हर महीने एक इनकम होगी 1,000 रुपये की उसे आपको SIP के थ्रू निवेश करना है। अगर हम बात करें स्कीम की रेटिंग की तो शानदार है 5। NAV की बात करें तो यह है 25 रुपीज़ 30 पैसे का। दोस्तों NAV होता है म्यूचुअल फंड्स स्कीम का यूनिट प्राइस। जो भी पैसे लमसम इसके अंदर आप निवेश करेंगे और जो भी NAV का प्राइस होगा इसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। मिनिमम SIP की बात करें तो 1,000 रुपये है और फंड साइज 2,621 करोड़ रुपये का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों अगर होल्डिंग की बात करें कि किन स्टॉकों के अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है, तो यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक, VR लॉजिस्टिक, सेरा सैनिटरी वेयर, ग्रैनवेल नॉर्टन, क्रेडिट एक्सेस, KPR मिल्स, माइंडट्री, जो दोस्तों बेहतरीन कंपनी है, उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो ये भी कम है 0.41% का। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड्स स्कीम का खर्चा। जो भी पैसे इसके अंदर आप निवेश करेंगे 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये और जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है पहले इतने परसेंट पैसे काटे जाते हैं, फिर बाकी के पैसों के आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं जो करंट NAV का प्राइस होता है उसके हिसाब से। बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की तो इस फंड को मैनेज करें श्री दत्ता 2019 से और अजय 2021 से। बात करें केनरा रोबोको म्यूचुअल फंड हाउस की तो इंडिया में 18 नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 19 दिसंबर 1987 को और कंपनी के पास जो AUM है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट वो करीब 47,000 करोड़ रुपये है, यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर केनरा रोबोको म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की, इसका जो रिटर्न है ऑल टाइम का वो काफ़ी शानदार है करीब 30% का, लेकिन आने वाले टाइम में स्कीम आपको सिर्फ 28% का भी रिटर्न देती है और आप इसके अंदर निवेश करते हैं 50,000 रुपये। तो कैसे यहाँ पर आप हर महीने 1,000 रुपये की इनकम शुरू करके और कैसे यहाँ पर उस इससे निवेश करके करीब 29 करोड़ का फंड बना सकते हैं, चलिए इसे एक बार कैलकुलेशन के साथ समझते हैं।